अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा और आज भी मैं जो वीडियो में बात करूँगी वो टीएलपी के हवाले से करूँगी, क्योंकि जुमेरात के रोज़ एक अहम डेवलपमेंट हमने देखी। साद रिजवी जो टीएलपी के चीफ हैं उनको रिलीज़ किया गया कोट लखपत जेल से, लगभग चार दिन कबल का ये वाक़या है, और उनको रिलीज़ करने से कबल उनका नाम फोर्स कैजुअल से निकाला गया। साथ ही साथ टीएलपी और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा भी तय पाया। इस मुआहदे के हवाले से जो है लोग कंसर्न रहे, कुछ लोगों ने मामले को अप्रिशिएट किया कि दोनों के दरमियान हालात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जो स्टेट की रिट है वो कायम होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानेब कुछ लोगों ने जो जिनको जो शैतान सिफत है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने और आग लगाने की कोशिश की और मामलात को खुरेदने की कोशिश की, और दोनों तरफ से ही ऐसे कुछ सवालात किए गए कि जिससे शायद और मामलात या बात ख़राब हो। अब इसमें कुछ ये बात करेंगे कि जहाँ पर शाहज़ेब खानज़ादा जैसे जर्नलिस्ट बार बार ये बात करके उकसा रहे हैं, और शेख रशीद से वो बात कर रहे थे तीन हफ्ता कबल, कहते हैं कि आपने 350 लोगों को टीएलपी के रिलीज़ कर दिया, वो आपसे अपनी बातें मनवाते जाएंगे। पहले उन्होंने माजी में भी आपसे बातें मनवाई, अब भी वो अपनी बातें मनवा रहे हैं, और आप क्या इसके बाद आपके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। यानी एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू को इस तरीके से हैंडल करने की कुछ सहाफ़ियों की तरफ से कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। प्राइमरीली हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा दीन और ईमान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार सिर्फ इजहार मतलब थ्रू वर्ड्स नहीं, थ्रू एक्शंस भी हो, यानी हमारे दिल में भी हो और हमारी फीलिंग्स भी उसके साथ सिंक्रोनाइज करें। ये हमारे ईमान और हमारे दीन का एक अहम हिस्सा है, और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो खुदा ना खास्ता जिसमें ये चीज़ नहीं होगी। यानी हर मुसलमान जो है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मोहब्बत करता है और उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आती है यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा अहम बात, वही है कि क्या हमें इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह जो फ्रांस में वाक़या हुआ उसके ख़िलाफ़ हम क्या कर सकते हैं। तो इमरान ख़ान साहब एक पहले वज़ीर आज़म है जो इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की शान के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जज्बात को मजरूह किया जाता है वेस्ट की तरफ से और बाकी ममालिक की तरफ से। तो ये तो नंबर वन एक्शन है, यही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। यानी हम अपने मुल्क में आग नहीं लगा सकते जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो, और जो ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स भी नहीं रही हैं कभी, तो हमने वही चीज़ करनी है जो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग रही है, जो पीस और हार्मनी के ऊपर थी। तो यहाँ पर ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली एक कॉज बहुत अच्छा था, लेकिन वो कॉज जो है वो बिगड़ता चला गया, दोनों तरफ से बिगड़ता चला गया, और इसके बाद मामलात ये हुए कि दोनों तरफ से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, लगभग 100 पुलिस ऑफिसर्स वो भी ज़ख्मी हुए, चार शहीद हुए, और फिर टीएलपी के लोग भी जो हैं वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो नहीं, दोनों तरफ का नुकसान हमारे मुल्क का ही नुकसान है। हमने वो एक्शन लेना था जिससे बाहर के लोग उन तक मैसेज जाए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक्शंस ले रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना, और बहुत सारे मेजर्स लेना, थ्रू मीडिया नरेटिव अपना मैसेज पहुंचाना। अब आते हैं इस मामले के और जो इस वक्त डेवलपमेंट है उसके ऊपर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद का निशाना करना पड़ा इस पूरे सिनेरियो में। उनको बार बार क्वेश्चन किया गया कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, वो दुरुस्त नहीं है, आपने मामलात को बिगाड़ दिया, मामलात को ख़राब कर दिया, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला था, और कई बार ये कहा गया कि हुकूमत कहती है कि ये कलदम जमात है, इससे दहशतगर्दों की तरह बात होगी, दूसरी तरफ कहती है कि हमने मुआहदा कर लिया, क्या हुकूमत का स्टांस क्लियर नहीं है, क्या हुकूमत क्लियर नहीं है कि करना क्या है, बहुत सारे सवालात सामने आए। लेकिन अब जो हाल ही में जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो यही है कि जो टीएलपी के जो चीफ है उन्होंने अपने वोटर्स से रिक्वेस्ट किया है कि जो नए जनरल जो आने वाले जनरल इलेक्शंस होंगे उनमें उनके वोटर्स उनको वोट करें, और उन्हें सपोर्ट की बात की, और उनके जो वालिद साहब हैं खादिम हुसैन रिजवी उनके उर्स पे उन्होंने जो है अपने वोटर्स से मुखातब होकर कहा कि उनको वोट करें और वो इस कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। अब आते हैं इस पूरे सिनेरियो में हम मौलाना फजल रहमान साहब का रोल डिस्कस करते हैं कि उनका रोल क्या है। मौलाना फजल रहमान साहब अपने आप को कहते हैं कि वो रिलीजियस पार्टी का एक हिस्सा हैं और
उनके जो वोटर्स की तादाद है वो भी रिलीजियस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो अपने इस क्लेम को जस्टिफाई कर सके. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं एक सेंसिटिव मौजू पर, पीएमएलएन के दौर में नामूस रिसालत के ऊपर जो है जब डिबेट हुई तब उनका स्टांस क्लियर नहीं हुआ, ना उनके वर्ड्स ना उनके एक्शन से क्लियर हुआ. वो सारा मामला हमारे मुल्क में यानी रियासत का मामला था. अब आते हैं हम अपनी रियासत से बाहर के मामले पर. जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि जब भी इस्लाम पर अटैक करने की बात आए आप अपनी कैपेसिटी में उसके खिलाफ जो बात हो रही है आप उसको काउंटर करें, और अगर प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की डिसरिस्पेक्ट में कोई बात हो रही है आप उसके ऊपर आपके पास कैपेसिटी हाथ से एक्शन ले, आपके पास कैपेसिटी हाथ से एक्शन लेने की नहीं है मुंह से आप एक्शन ले. तो ये सारे स्कॉलर्स भी कहते हैं. लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस पे जाते हैं प्रोफाइल पे, क्या उन्होंने कुछ भी एक जुमला भी कहा फ्रांस के सदर ने जो ये घिनौना काम किया, क्या उन्होंने उनके वोटर्स से मुखातिब होकर उन्होंने कोई मैसेज दिया या उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से मैसेज दिया. मैं करंट अफेयर्स का 1+3 शो कर रही थी उस वक्त मेट्रो वन न्यूज़ में, और बैक टू बैक मेरी जब पॉलिटिशन से बात होती थी तो मैं इसी मौजू के ऊपर बात कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मौजू के ऊपर कैसे खामोश हैं. मतलब एक कोई भी एवरेज मुसलमान तो बहुत दूर की बात, जिसका ईमान शायद बहुत कमज़ोर होगा, एवरेज तो फिर भी अच्छा है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे और पायस और नेक मुसलमान की बात नहीं करी, मैं इस वक्त एवरेज की भी बात नहीं करी, मैं बहुत ही बिलो एवरेज मुसलमान की बात कर रही हूँ जिसका ईमान शायद इतना ज़्यादा मजबूत नहीं, इतना कमज़ोर नहीं, वो इतना अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, वो भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता. मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कोई मुनाफिक हैं, क्या हैं वो, मतलब किस किस्म के इंसान, उन्होंने कुछ नहीं बोला. लेकिन जब बात आई, जब मामला ख़राब होता चला गया यहाँ पर और यहाँ पे हालात बिगड़ते गए, तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है इनह्यूमन है, हुकूमत ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन करी, हुकूमत ने टीएलपी के लोगों के साथ बुरा किया है. तो उस वक्त वो और आग लगाने के ऊपर जो है तुल गए और ऐसे स्टेटमेंट्स देने लग गए जिससे और आग भड़क सकती है और आग मज़ीद बढ़ सकती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस अपना किरदार इतना गलत वक्त पर इतना बुरा अदा करते हैं, वो सही वक्त पर सही किरदार तो अदा नहीं करते लेकिन गलत वक्त पर एक गलत किरदार ज़रूर अदा करते हैं वो. और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि क्यों इस तरह होता है. प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स हम नहीं देखते हैं बल्कि सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हमारे मुल्क में हो रहा होता है. ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको बहुत ही नज़ाकत से देखना होगा और हमें ये भी समझने की ज़रूरत है हम सबको कि हम सबको ऐसा इनिशिएटिव लेना है जिससे हम अपना मैसेज आगे तक पहुंचा सकें, लेकिन उसमें कहीं पे गम गुस्सा शामिल ना हो, बहुत ही आराम से बहुत ही पोलाइटली और मैसेज ऐसा हो कि वो अक्रॉस द ग्लोब आगे तक जाए, बजाय इसके कि हम अपने ही लोगों को तकलीफ़ और नुकसान पहुंचाएं. ये हमें ज़रूर समझना होगा और यही हमारा एक अल्टीमेट मैसेज है हमारे रिलीजन में और यही हमारे प्रॉफिट की टीचिंग है और हमें इसी को आगे बढ़ाना है. तो ये सारी जो थी आज की अहम डेवलपमेंट थी और अब तक की डेवलपमेंट थी टीएलपी के हवाले से. और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के ऊपर गुफ्तगू करूँगी. इस वीडियो में इतना ही. अल्लाह हाफिज़. कर बेस यू ऑल.